नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के चलते संयुक्त राष्ट्र ने सन 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की और हम 21 जून 2015 से इस योग दिवस को निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। योग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। योग के जन्मदाता भगवान शिव हैं और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि भारत संपूर्ण जगत का योग है। योग जहाँ हमारे तन मन को स्वस्थ रखता है, वहीं प्रकृति से परिचय दिलाकर हमारे को आत्मा की हमारी आत्मा को परमात्मा में विलीन भी करता है। तो आइए आज इस दिवस पर योग के कुछ ऐसे आसन करते हैं जो हमारे तन मन को तो स्वस्थ रखता है, सभी आयु वर्ग के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। और आइए अब हम करते हैं चेयर पोज आसन। ये हमारे शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरीके से करते हैं। हाथों को अपने कंधे की सीध में आगे लेके जाइए, सांसों को भरिए, सांसों को छोड़ते हुए नीचे इस तरीके से बैठेंगे जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए। इस तरह से बैठे हुए आप थोड़ी देर रुकिए, 1 से लेके 20 तक गिनती गिनिए। अगर इतनी देर नहीं रुक सकते हैं तो 1 से लेके 10 तक गिनती गिनिए और रुकिए। वापस आइए, पुनः हम इसको आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। पैर हमारे बिल्कुल जुड़े हुए होने चाहिए, हाथ कंधे की सीध में, सांसों को भरेंगे हम, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठते चले जाएंगे ऐसे जैसे हम किसी कुर्सी पर बैठे। यहाँ पर हम कुछ देर रुकेंगे, 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक गिनती गिनिए और उतनी देर आप यहाँ पर ठहरेंगे। वापस आते हैं और इसका फॉलो अप आसन है ताड़ासन, जिसको हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। उसमें हम अपनी एड़ियां मिला लेंगे, पंजों को हम थोड़ा सा खोल के रखें। देखिए मैंने एड़ियां मिला ली हैं, पंजों को खोल के रखा है, हाथों को सीधे से हम लेके जाते हैं, कान की सीध में ऊपर की तरफ लेते जाएंगे। हाथों को एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक करेंगे, हाथों को नीचे सिर की तरफ लेके जाएं, हाथों को पलट देंगे इस तरीके से, सांसों को भरते हुए एड़ी को उठाएंगे और हाथों को कान की सीध में लेते हुए चले जाएं। चेहरे पे मधुर मुस्कान सबके रहनी चाहिए। योग हमें आनंद प्रदान करता है, इसलिए सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक गिनती गिनेंगे और फिर वापस आ जाएंगे आराम की मुद्रा में। इसको फिर से हम उल्टा करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए आराम की मुद्रा। ये आसन हमारी लंबाई को बढ़ाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, हमारे टखनों, घुटनों और भुजाओं को मजबूत करता है। तो प्रतिदिन योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, तन मन स्वस्थ बनाइए। इसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।